नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। बॉलीवुड के लेजेंडरी अभिनेता दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। दिलीप कुमार काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें 29 जून को सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो ICU में भर्ती थे। बता दें, हिंदुजा अस्पताल में सुबह 7:30 बजे दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली। इस दौरान दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानू उनके साथ थी। ये खबर सामने आते ही पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन पर क्रिकेट जगत में भी शोक की लहर है। भारतीय क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर एक्टर को श्रद्धांजलि दी है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने भी बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार के निधन पर पाकिस्तान से एक ट्वीट किया, जो खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें, दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था और उनका जन्म भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले 1922 में पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिलीप कुमार के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। मैं SKMTH परियोजना के दौरान धन जुटाने में मदद करने के लिए उनकी उदारता को कभी नहीं भूल सकता। ये काफी कठिन समय है। पहले 10% धन जुटाने के लिए पाकिस्तान और लंदन में उनकी उपस्थिति ने बड़ी रकम जुटाने में मदद की थी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक और कप्तान और ऑलराउंडर अफरीदी ने भी दिलीप कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया। अफरीदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, उनका जाना खैबर पख्तूनवा से लेकर मुंबई तक और पूरी दुनिया के फैंस का बड़ा नुकसान है। दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था और अफरीदी ने ट्वीट में इसका जिक्र भी किया है। अफरीदी ने लिखा, जो भी अल्लाह का बंदा है उसे उसके पास तो जाना ही होता है। आपको बता दें, ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार ने 1944 में ज्वारभाटा फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। 1998 में दिलीप कुमार को पाकिस्तान के निशाने इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भारतीय सिनेमा में वो अपने लंबे एक्टिंग करियर और शानदार फिल्मों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।